हाय गाइस, सो एक और ओपनिंग आई हुई है यहाँ पे। समापित स्टूडियो है, बहुत बढ़िया नाम है। समापित मतलब टर्मिनेटेड है ना, तो हिंदी का कुछ नेम है जो इंग्लिश में डाल रखा है, समापित। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर मैं रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करूँ तो जैसे वेबसाइट यहाँ पे गिवन है, वेबसाइट के साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनिंग प्रोसेस है, इसमें जो होता है टेक्निकल टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू राउंड। 3 राउंड आपके यहाँ पे होते हैं, 3 राउंड आपको समझना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे है स्किल सेट। स्किल सेट ये 3D एनिमेटर। 3D एनिमेटर के एक अलग रोल है, 3D मॉडलर है, 3D जर्नलिस्ट है। 3D एनिमेटर जैसे तो एक्सप्लेन करता है, एनिमेटर जो भी केवल एनिमेशन करता है। ठीक है, शरीक मिलेगा, उसे बताएंगे भाई ये सीन है, शॉर्ट है, उसको आपको एनिमेट करना है। मॉडलर मतलब उसे सिर्फ मॉडलिंग करना है, मॉडलिंग में आपको बता देगा ये आपका सॉफ्टवेयर है, आपको सिर्फ मॉडल करना है। ठीक है, 3D मॉडलर में कई चीज़ कॉमन होते हैं। जैसे मॉडलर में है तो उसमें क्या करते हैं भाई, प्रॉप्स भी बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कैरेक्टर मॉडलर होता तो 3D कैरेक्टर, सिर्फ कैरेक्टर बनवाता है। तो मॉडलर मतलब कि एसेट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। 3D जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है, 3D जर्नलिस्ट जिसको मॉडलिंग भी आ रही है, टेक्सटिंग भी आ रही है, लाइटिंग भी आ रही है, रिगिंग, एनिमेशन सब कुछ आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड 3D जर्नलिस्ट। ये सब में से थोड़ा थोड़ा भी आता तो वो 3D जर्नलिस्ट के जॉब के लिए हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में जैसे यहाँ पर मैंशन करके ब्लेंडर। ठीक है, ब्लेंडर, माया, जीब्रस, की शॉर्ट। अगर देखा जाए तो अगर ब्लेंडर के बाद के लिए छोड़ दो तो माया में आप काम कर सकते हो, जीवस में आपने काम कर रखा है, की शॉर्ट है, की शॉर्ट पर लाइटिंग एंडिंग पता होता है। अगर आप काम करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मैंने कई चीज़ों को बना के भी डाला है कि भाई ऐसा कुछ है तो सब वर्कआउट कर सकते हो। तो ये जरूरी सभी आना चाहिए, इनमें से अगर दो भी आपको आते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये एक पूरा पार्ट है। यहाँ पे वेबसाइट पर चल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वेबसाइट में दिखा रहे हैं भाई चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चाहिए अगर देखा जाए तो, यहाँ पे 3D वर्क क्लिक करके देखें। यहाँ पे कहीं पे भी जा रहे हो उसको एक बार देखो, ठीक है। प्रॉप्स, ऑब्जेक्ट, अभी देखो इनमें से कई ऐसे काम लेंगे कि ये काम आप लोग के लिए बहुत इजी लगेगा। इस टाइप से काम तो हम लोग कई चीज करके छोड़ चुके हैं। देखो अगर यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, जैसे प्रॉप्स हैं, प्रॉप्स, एडवर्टाइजमेंट, उस टाइप से कुछ काम है जिसको आप देख के बना सकते हो। यहाँ पे कैरेक्टर मेंशन नहीं हुआ है तो आप इसमें प्रॉप्स के पर्पज से आप काम कर सकते हो। इसमें एनिमेशन के लिए और भी कई चीज़ें हैं, कुछ टाइपोग्राफी, इस टाइप की चीज़ को आप अगर काम करते हो तो भी आपके लिए अच्छा है। इसके अंदर देखो ये सारी चीज़ें। अब इसका मॉडल, टेक्सचर, लाइटिंग, जो जो पार्ट आप करके देखो। अभी अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट पैकशॉट पर कुछ कुछ काम कराया था, वो लोग को आपको यहाँ पे सपोर्ट कर जाते हैं। जब आपने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट को लाइटिंग किया, लाइटिंग सेटिंग किया, तो ये भी होगा कि भाई चलो आपको कुछ एक सेकेंडरी वर्क भी है जहाँ पे आपका काम होता है, प्लस में उसका जो एनिमेटर है उसे एनिमेट करेगा। ठीक है, किस तरीके से एनिमेट करेगा वो पूरा प्रोसेस आपको आइडिया दे रखा है मैंने। तो अगर इन सब चीज़ों में भी अगर आप जाते हो कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, तो कैसे आप चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो, तो वो सब चीज़ भी आपके यहाँ पे बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, बाकी एडिटिंग अगर आपको मैं बताऊँ तो जन यहाँ पर भी देखो इनके सारे इंस्टाग्राम, ठीक है, लिंक्डइन और फेसबुक सबका दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टेक्ट आपको दे रखा है यहाँ पे। सेक्टर 66 गुड़गांव, गुड़गांव में है, सेल्स का है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स के लिए है। ठीक है, जनरल इंक्वायरी के लिए है आपका यहाँ पे, कस्टमर केयर के यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ईमेल आईडी, आप यहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे मैं आप लोग अपने थ्रू से मैं बताया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें, इसके थ्रू अगर आप काम करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इनकी चीज़ को एक बार देखो, स्टडी करो कि भाई कहाँ हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पे क्या नीड है, क्या डिमांड है। ओके, तो आप इसके थ्रू भी आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे कुछ नंबर भी है, जनरल इंक्वायरी, आप ऐसे भी जस्ट कॉल करके भी आप एक बार डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे सेल्स के लिए दे रखा, तो ये सेल्स जो इनको सेल्स पे काम कर रहा है ना, वही लोग यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे कस्टमर केयर के लिए ये दे रखा, यहाँ पे कोई कॉमन ईमेल आईडी नहीं दिया जिसको आपको लगे कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप इनमें भी अप्लाई करके मेंशन करते हो कि ठीक है एप्लीकेशन फॉर जॉब, तो फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, बाकी मैं अपने एंड से आपको यहाँ पे भिजवा ही दूंगा, भाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ से अपने एंड से चीज़ों को कवर अप करा दूंगा। तो प्रॉपर चीज़ों को देखो, स्टडी करो क्या क्या चीज़ें, देन इसमें अप्लाई कर सकते हो।